जय श्री कृष्णा। आज हम बना रहे हैं एक नई रेसिपी। आपने ये कई बार खाया होगा, लेकिन आज इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, यूनिक है। हरी प्याज की 2 से 3 पत्तियों को लिया है मैंने और इसे एकदम बारीक बारीक काट रही हूँ। और हरे धनिया और 3 हरी मिर्च को भी हमने बारीक कट करके रखा हुआ है। प्याज के पत्तों को हमें इतना बारीक कट करना है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये 3 लीटर दूध है, अमूल गोल्ड दूध है, और इसे गर्म करके उबाल लिया है हमने अच्छी तरह से, और इसे ठंडा भी कर लिया है, और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम 1/2 कप वाइट विनेगर लेंगे और इसे एक बाउल में डाल देते हैं। इसमें 1 कप पानी मिक्स करेंगे। चम्मच से इसे अच्छी तरह चला लेते हैं और जो ये दूध हमने ठंडा किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, इसके अंदर हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच या 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो हमने हरा प्याज बारीक काट के रखा है ना, इसमें वो डालेंगे। हरा धनिया भी बारीक कटा हुआ मिलाएंगे और अब इन सभी चीजों को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी जो हमने विनेगर का पानी बनाया है उसको हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे और चम्मच को इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में चलाएंगे। धीरे धीरे विनेगर डाल के धीरे धीरे चम्मच चलाने से पनीर अच्छी तरह से, दूध अच्छी तरह से फटता है। वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ाई है। सारा विनेगर डाल देते हैं और अब देखिए जैसे जैसे चम्मच दूध में घूम रहा है ऐसे ऐसे दूध और पानी अलग हो रहे हैं। अभी दूध पूरी तरह से फट चुका है। अब इसे हम ऐसे ही 15 मिनट तक इसे छोड़ देंगे, इससे दूध अच्छी तरह से फट जाएगा और अच्छी तरह से फट जाएगा और पनीर अच्छा बनेगा। 15 मिनट बाद इसकी ये स्थिति है। अब एक छलनी लेंगे इस तरह से, उसके ऊपर हम एक मसलिन क्लॉथ लगाएंगे। आप कोई भी वाइट सूती कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने ये दूध फाड़ा है ये धीरे धीरे इसमें डालेंगे और इसका पानी हम निथार लेंगे। देखिए इसका हमने सारा पानी छान लिया है, नीचे का बर्तन भी चेंज कर लिया है। पनीर को बनाने में हमने वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है तो इसको हमें वॉश करना ज़रूरी है। पानी डालकर इस पनीर को हम वॉश करेंगे। ये नॉर्मल वाटर है और कपड़े को दोनों सिरों से इस तरह पकड़कर हम इसका सारा पानी निथार लेंगे, छान लेंगे इसे। अब इसका पानी हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब कपड़े को इस तरह से हम चारों ओर से इकट्ठा करेंगे और इसे दबाकर इसका पानी निकालेंगे, जितना निकल सकता है उतना निकालेंगे। नीचे एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर छलनी रखी है और पनीर का जो कपड़ा पनीर में हमने बांधा है ना, उसको इस पे रखा है और उसमें हमने रबर बैंड लगा दिया है। ऊपर के जो कपड़ा है इसको हम अच्छे से इस तरह से फैला लेंगे ताकि इस तरह से इसमें लाइन नहीं पड़ेगी। अच्छे से हाथ से प्रेस कर लेते हैं और इसके ऊपर अब हम एक दूसरी प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर अब हम खरड़ को रखेंगे, इसे बैलेंस करके रखेंगे। पनीर को इस तरह दबाकर हमें 2 घंटे रख देना है जिससे इसका पानी सारा इस तरह से निकल जाएगा और पनीर सेट हो जाएगा।
इस तरह पनीर को दबाकर रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम पनीर को चेक कर लेते हैं कि पनीर की क्या स्थिति है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं भी पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मुझे और अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और देखिए कितना बढ़िया पनीर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल डिज़ाइनर ब्रांड का पनीर और मलाई वाला पनीर बनके तैयार हुआ है, क्योंकि हमने अमूल गोल्ड दूध का उपयोग किया है तो इससे मलाई वाला पनीर बना है। तैयार है डिज़ाइनर ब्रांड का मलाई पनीर और एकदम सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है। इससे आप कोई भी रेसिपी बनाइए और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, आप कोरा पनीर ही खा सकते हैं। है ना अलग तरीका पनीर बनाने का, एकदम यूनिक तरीका। इस तरह से पनीर आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको पनीर का उपयोग आज नहीं करना है और आपको कल या परसों या 2-3 दिन बाद करना है, तो आप इस तरह से एक डब्बे में पनीर को रखिए, ऊपर पानी डालिए, पनीर ऊपर पनीर के ऊपर तैरता हुआ होना चाहिए, इसका ढक्कन लगाइए और फ्रिज में रख कर इसे स्टोर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।